संघर्षशील नेता के चेहरे पर कोई किसी किस्म की नाराजगी, कोई इस किस्म की दिखाई नहीं दी, तनाव दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम सभी आदरणीय चौटाला साहब के शिष्य हैं और भाई मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जैसे भाई साहब ने आपके बीच में बात रखी है सोनी भाई सिंह जी ने, कि भाई हमारा काम है कड़ी का, हम कड़ी के रूप में कार्यकर्ता जो काम करें और लोगों को चौटाला साहब से भाई साहब से मिलवा करके इस पार्टी के संगठन को मजबूत करें। हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया में चौटाला साहब को तो सारी बातों की जानकारी है दोस्तों, कांग्रेस नाम की एक भी सीट नहीं हुआ करती। आदमी चौधरी देवीलाल जी का डंका बजता था, चौटाला साहब का बजता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी जिनकी वजह से हमारे एरिया में आज सबसे ज्यादा कमजोरी है और उस कमजोरी को हम दूर करने के लिए दिन रात एक करेंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करके इन लोगों का सरकार बनाएंगे। जो जिम्मेदारी मेरे को दी है हम बखूबी निभाने के लिए आदरणीय चौटाला साहब की कृपा से पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। सुबह सुबह शेर आ गया और शेर ने शिकार दी थी, शिकार दिखा तो उस मेमने को होश आया, शेर जी उसकी तरफ धाड़ा तो उस मेमने ने कहा कि मेरे को तो यो बैठा के जा रहा है, बब्बर शेर के पंजों के निशान थे, बड़ा यो बैठा के जा रहा है मेरे को तो, बोले अच्छा यो बैठा के जा रहे थे, बैठा रहे ठीक। तो भाई हमने तो बब्बर शेर दी खड़ा गए चिंता करके, सरकार की कारगुजारी के बारे में आदरणीय चौटाला साहब सारी बात आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों ये कोई सरकार है क्या? ये कोई सरकार नहीं चल रही है, सारी दिक्कतें आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने भाषण देता बढ़िया नहीं लगता, हम तो इनके बच्चे हैं। दोस्तों एक बार फिर आप सभी से गुजारिश है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करें और पार्टी को मजबूती प्रदान करें और अपनी सरकार लेने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।